मॉड्यूल टू ज़ीरो सेवन काजेज ऑफ एनोरेक्सियासा सोशल सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दोज कॉजेज विच कैन बी द रीज़न फॉर डेवलपिंग द एनोरेक्सिया एनोरेक्सियासा सो इसमें अगर हम एक चीज को देखें तो वो है सोसाइटल प्रेशर आपने अक्सर देखा होगा कि जो सोसाइटी है वो प्रेशराइज़ करती है प्रेशराइज करती है फॉर बींग अपेयरिंग एज अ थिंग अब अगर आपके जो सोसाइटी है उसके अंदर नॉर्म्स ही ऐसे डेवलप हो गए हुए हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आपको थिन होना है तो डेफिनेटली आपको थिन होना है फिर आपको उसे अबाइड बाय करना है अगर आप वो नॉर्म्स को नहीं कर रही फॉलो और उसको मुताबिक अपनी बॉडी को शेपअप नहीं कर रहे तो डेफिनेटली जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो इफ़ेक्ट होगी अब यूजुअली ये कहा जाता है डिफरेंट कल्चर्स के अंदर कि इतनी वेस्ट हो इतना वेट हो तो वो आइडियल वेट समझा जाता है और उसे ही सोशल अप्रूवल मिलती है ठीक है तो अगर इस किस्म की आपको सोसाइटी से फीडबैक मिल रही है तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा रीज़न बनेगा एनोरेक्सिया नर्वोसा को डेवलप करने में क्यों क्योंकि ये लीड करेगा आपको फूड इनटेक को लिमिट करने में या फ़ूड इनटेक को ख़त्म करने में ठीक है आप बहुत से कल्चर्स ऐसे होते हैं जहाँ फजीक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है एज़ कंपेयर टू योर बॉडी स्ट्रक्चर ठीक है इसी तरह कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे uh, जो पर्सनालिटी है उसके करेक्टरिस्टिक्स को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है लेकिन इन रिलेशन टू दैट आपके किसी एक बॉडी पार्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है कि वो बड़ा आइडियलिस्टिक होना चाहिए ठीक है तो जब इस किस्म के आपको नॉर्म्स और प्रेशर मिलते हैं तो दिज कैन बी ट्रिगर दिगर इन एनी परसन दैन रोल ऑफ मीडिया रोल ऑफ मीडिया को आप यू अंडरस्टैंड कर सकते हो जैसा आपने देखा होगा कि बहुत से Uh, जो मैगजीन्स हैं उसके अंदर जब मॉडलिंग हो रही होती है और उसके अंदर जो uh, वो बॉडी का शेप दिखा रहे होते हैं दैट इज़ वेरी आइडियल अब वो जो ज़ीरो साइज वो दिखा रहे होते हैं अब वो जब फीमेल्स uh, वो करने की कोशिश करती हैं तो डेफिनेटली दे विल स्टॉप ईटिंग तो वो जब मॉडलिंग आपके सामने ऐसी आएगी कि जिसके रेफरेंस में आपने अपनी बॉडी शेप को डिफ़ाइन करना है तो डेफ़िनेटली वो चीज़ आपको प्रॉब्लम करेगी इसके साथ साथ आपने एक चीज़ और भी देखी होगी कि जो मॉडल्स होते हैं चाहे वो टी वी पर आएँ चाहे वो मैगजीन्स में हों या आप उन्हें वेबसाइट्स पर देखें उन सब को जो है वो फिल्टर किया गया होता है वो तो वो जो फिल्टरेशन होती है उस फिल्ट्रेशन के बाद जो इफेक्ट होता है वो चीज़ जो है टीन एजर्स को सर्टन टाइम नहीं पता होती एंड वट देर ट्राइंग टू डू दे आर ट्राइंग टू मेक देअर बॉडी एंड अपेयरेंस एज दे फाउंड दैम ऑन दैबसाइट्स और टी वी कमर्शल्स तो ये एक बहुत uh, बड़ी रीज़न है जो मीडिया है ये चीज़ हम uh, बच्चों के अंदर ख़ास तौर पर टीन एजर्स के अंदर इनकलकेट करता है और जब वो उनको फॉलो करने की कोशिश करती हैं तो उस सारे प्रोसेस के अंदर अगर प्री मौजूद हो तो इट मे पॉसिबल कि जो चाइल्ड है वो एनोरेक्सिया नवोसा डेवलप कर ले। थैंक यू